الحمد لله رب العالمين ولا عاقبه للمتقين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا وصدقنا رسوله النبي الامين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وعز صلاه الكرام आपके दयारे मोहब्बत में मेरी पहली मरतबा हाजिरी हुई है और आप स्टेज पर उलमाए कराम पर नूरानी काफिला आप देख रहे हैं। हजरात वक्त की किल्लत दामन घेर रहे हैं, लिहाजा हमारे अच्छे भाई अजीज मोहतरम गुलाम रस्तगीर साहब से आपने नाते पाक सुना है और यहाँ पर बड़े बड़े उलमाए कराम मौजूद हैं, लिहाजा मैं ये चाहता हूँ अच्छी और सच्ची बातें पेश करने की सआदत हासिल करूं, लिहाजा नात पढ़ी नहीं जाती है बल्कि नात पढ़ाई जाती है, तकरीर की नहीं जाती है बल्कि तकरीर कराई जाती है। और इस वक्त 12 बजे से ज्यादा हो चुका है, मैं आपका ज्यादा कीमती वक्त नहीं लूंगा, लिहाजा दो तीन शेर पेश कर रहा हूँ। उससे कबल आइए हमारा दरूद पाक की दादी निछावर करे पढ़िए बाबा से मदद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि वसल्लतु वसलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात आपने कुरान मुकद्दस की आयत सुनी और मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया उसका आप तर्जमा सुनते चले आ रहे हैं। बरकत हासिल करने के लिए मैं तर्जमा बता रहा हूँ, ऐसा फरमाया वला तकूलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए, जो अल्लाह की राह में मारे जाए, वो अल्लाह की राह में शहीद किए जाए, उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है और तुम उनकी जिंदगी को समझ ही नहीं सकते और अगर समझना चाहो तो भी नहीं समझ सकते। हजरात दो तीन शेर पेश कर रहा हूँ मोहब्बत के साथ, मौला ऐसा फरमाएंगे नवासे शहे बदरुल हुनैन बहते हैं, नवासे शहे बदरुल हुनैन रहते हैं, अली के नूर तो जहरा के चैन रहते हैं, नवासे शहे बदरुल हुनैन रहते हैं, अली के नूर तो जहरा के चैन रहते हैं। और सितारों आओ आओ मेरे घर से रोशनी ले लो, सितारों आओ मेरे घर से रोशनी ले लो, हमारे घर में इमाम हुसैन रहते हैं और लहू में रंग है बाकी तो करबला चलिए, लहू में रंग है बाकी तो करबला चलिए, अगर है खून में गर्मी तो करबला चलिए,
लहू में रंग है, बाकी तो करबला चलिए। अगर है खून में गर्मी तो करबला चलिए। और नबी के नाम का सदका लुटा रहे हैं हुसैन, नबी के नाम का सदका लुटा रहे हैं हुसैन। किसी को चाहिए पानी तो करबला चलिए। और किया जो गौर फसली पर और अनहर पर, किया जो गौर फसली पर और अनहर पर, नजर ठहर गई मेरी हुसैन के सर पर। किया जो गौर फसली पर और अनहर पर, नजर ठहर गई मेरी हुसैन के सर पर। और शऊर अंतुमुल आलम बांटने के लिए सरे हुसैन सफर कर रहा है खंजर पर, सरे हुसैन सफर कर रहा है खंजर पर। हजरात, अल्लाह ताला हम सबों को आका हुसैन की मोहब्बत में रखे। अल्लाह ताला हम लोगों की जिंदगी की हर सांस आका हुसैन की मोहब्बत में रखे। और जब तक दुनिया में रहे या हुसैन वाले बनकर, और जब 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 दुनिया से सफर हो या हुसैन के साथ सफर। हजरात, बुनियादी तालीम में सरकार गौसे पाक एक वाकया नकल फरमाते हैं। सरकार गौसे पाक कौन गौसे पाक जिसे मेरे मीरा कहा जाता है, जिसे मेरे मीरा कहा जाता है, जिन्हें शहबाज़े लामकानी कहा जाता है, जिन्हें कुतुबे रब्बानी कहा जाता है, जिन्हें सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। सरकारे गौसे पाक हसनी दूल्हा भी है और हुसैनी दूल्हा भी है। वाकिया बुनियादी तालीबीन में लिखे कि आका हुसैन पैदा हुए, तीन दिन के हुए आका हुसैन। रब ने जिब्राइल को महबूब की बारगाह में कोई पैगाम देकर भेजा, सैयदुल मलाइका चले, रास्ते में एक फरिश्ते पर नजर पड़ गए, नाम था फितरूस था वो फरिश्ता। मगर हजरत जिब्रील ने देखा कि वो रो रहा है, गोया कुछ अपनी गलतियों की बुनियाद पर वो खुद को कोस रहा है। हजरत जिब्रील वहीं पर रुक गए। हजरत जिब्रील ने कहा, ओ रोने वाले कौन सी चीज तुझे रोला रही है? तो रोने वाले ने कहा, जिब्रील क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? मेरा नाम फितरूस है, मैं भी फरिश्ता था। तो हजरत जिब्रील कहते हैं, अगर तू फरिश्ता था तो तेरे बालों पर क्या हो गए, तेरे पर कहां चले गए? तो फितरूस फरिश्ते ने रो रो कर कहा था, ऐ जिब्रील, रब ने कोई हुक्म दिया था, मैं उस हुक्म को थोड़ी सी बजा लाने की खातिर मैं उस हुक्म को बजा लाने की खातिर थोड़ी सी और इस चूक में अल्लाह की इज्जत में मैं आ गया तो सरदारी छीन ली गई। जिब्राइल इतना सुनना था, जिब्राइल से फितरूस ने कहा, 70,000 फरिश्तों की सरदारी अल्लाह ने मुझे बख्श दी थी, वो सरदारी रब ने छीन ली है। ऐ जिब्राइल बड़े खुश दिखते हो, कहां जा रहे हो? जिब्राइल आज तेरे मलकूती चेहरे पर हुस्न की नई किरणें हो आईता है। जिब्राइल कहां जा रहे हो? तो जिब्राइल ने कहा था, कायनात आलम के सरदार के पास जा रहा हूं, मुस्तफा की बारगाह में जा रहा हूं, ताहा यासीन की बारगाह में जा रहा हूं। तो हजरत फितरूस हजरत जिब्राइल से सुनकर फितरूस ने कहा, मुझे भी साथ ले लो जिब्राइल। तो हजरत जिब्राइल को फितरूस की इस अदाए आजिजी पर प्यार आ गया। अब हजरत जिब्राइल फितरूस को लेकर चले हैं, पहुंचे हैं मुस्तफा की बारगाह में।
अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, आका ने सलाम का जवाब दिया, वालेकुम सलाम, ऐ जिब्राइल कैसे आना हुआ? जिब्राइल ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपका जो नवासा हुसैन पैदा हुआ है, मैं मुबारकबादी पेश करने के लिए आया हूँ। मुस्तफा मुबारकबादी कबूल फरमाते हैं, मुबारकबादी कबूल फरमाने के बाद कहते हैं, ऐ जिब्राइल ये कौन है? जिब्राइल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये एक फरिश्ता है था। तो आपा ने फरमाया, अगर ये फरिश्ता था तो इसके बारों पर क्या हो गए? तो जिब्राइल ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, रब की जलाल की इज्जत में आ गया, सरदारी छीन ली गई, या रसूल अल्लाह, ये 70,000 फरिश्तों का सरदार था, सरदारी छीन ली गई, या रसूल अल्लाह। आका ने ये सुनकर कहा, यहाँ क्यों आए थे? हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये तो इन्हीं से पूछिए। मुस्तफा ने कहा, यहाँ क्यों आए हो? तो किदरूस फरिश्ते ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मुझको मेरा लुटा हुआ वकार उसी वक्त मिलेगा जब मुझको लुटी हुई सल्तनत उसी वक्त मिलेगी जब आपका करम होगा। आप महबूब हैं, आप क्या है? आप महबूब हैं, आप हबीब हैं, रब आपकी रजा चाहता है। या रसूल अल्लाह, आप चाहोगे तो मेरी ममलुकत मिल जाए, आप चाहोगे तो 70,000 फरिश्तों की सरदारी फिर से मेरे पीछे चलेगी। आप हबीब हैं, इतना सुनना था। मुस्तफा मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा कर फरमाते हैं, ऐ जिब्राइल, ऐ अली, कह दो इस फरिश्ते से, जो मेरा नवासा हुसैन पैदा हुआ है, 3 दिन का है, वो बिस्तर पर लेटा हुआ है, इस फरिश्ते से कह दो कि मेरे नवासे हुसैन के जिस्म से अपने जिस्म को टच कर दे। अब इलाज ढूंढो यहीं पर उस मौलवियों को जो कहते हैं मुस्तफा मेरी तरह। अरे पागल, ये फरिश्तों की दुनिया है, अरे पागल, ये मलूकियत की अंजुमन है, अरे पागल, ये नूरी कारवा है। फरिश्ते मासूम होते हैं, जहाँ गुनाह का तसव्वुर नहीं है, जहाँ बुराई का तसव्वुर नहीं है, जहाँ बदी का तसव्वुर नहीं है, फरिश्ते मासूम होते हैं। आका को ये कहना चाहिए था, ये तो मेरा नवासा है, ये तो मेरी बेटी का बेटा है, ये मदीने में पैदा हुआ है, ये अलग है और फरिश्ते अलग। मगर मुस्तफा ने ये कहकर कि मेरे नवासे हुसैन के जिस्म से अपने जिस्म को टच कर दे, तो अब जमाली को कहने की इजाजत दे दो। मुस्तफा ने फरमाया था कि मेरे नवासे हुसैन के जिस्म से अपने जिस्म से टच कर दे, ताकि उसका पल भी मिल जाए, उसकी असमत भी मिल जाए, उसका हुजूम भी मिल जाए। तो अब जमाली को कहने की इजाजत दे दो कि 3 दिन के हुसैन को अगर कोई टच कर दे, तो उसे 70,000 की सरदारी मिल जाती है। तो मेरे आका हुसैन की सरदारी कैसी होगी? मेरे आका हुसैन की अजमत कैसी होगी? मेरे आका हुसैन की तादी कैसी होगी? कैसी होगी तो सुनो, मुस्तफा फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन सकता शबाब अहले जन्ना। अरे के हसन और हुसैन को दोनों जन्नत के जवानों का सरदार बना दिया गया है। मुलाहिजा फरमाइए, ओ हुसैन, उनकी जिंदगी मुलाहिजा फरमाइए। करबला की किताबें जिंदगी के दो वर्ग, करबला की किताबें जिंदगी के पहले वर्ग का नाम है इमाम हुसैन, और करबला की किताबें जिंदगी के दूसरे वर्ग का नाम है सय्यदा ज़ैनब। सुभान अल्लाह। सय्यदा ज़ैनब हुसैन ने करबला में अपना सब कुछ लुटा कर इस्लाम को बचा लिया, और सय्यदा ज़ैनब करबला के लुटे हुए काफिले में बचे हुए हिस्से को बचा कर मदीना तक पहुंचा कर इस्लाम को फैला दिया। बचाने की तारीफ
अगर हुसैन पर है तो फैलाने की तारीफ सैयदा ज़ैनब पर है, फैलाने की तारीफ सैयदा ज़ैनब पर है। मैंने आलम तसव्वुर में कहीं बैठे बैठे रसूल नगर की सरजमीन पर जिक्र शहीद आजम में आज़म कर लिया। अब तसव्वुर में कर्बला पहुंच गए, चूही कर्बला पहुंचे, तसव्वुर में ओ पाकीज़ा चेहरा आ गया, जिसे तफ़सीरे व दुहा भी कहते हैं, जिसे मज़हरे मुस्तफा भी कहते हैं। मैंने देखा कि मेरे आका हुसैन मुस्कुरा रहे हैं। मैंने गुलामी का नजराना दिल आवाज पेश करने के बाद अर्ज की, ए मेरे आका हुसैन बताया जाए। मैंने तारीख की किताबें पढ़ी है, ए मेरे आका हुसैन मैंने बड़े बड़े हादसों को भी देखा है, मगर ए मेरे आका हुसैन तेरे घर की रीत अलग है, तेरे घर का दस्तूर अलग है, तेरे घर की रिवायत अलग है, तेरे घर की तहजीब अलग है, तेरे घर का तरीका अलग है। ए मेरे आका हुसैन जब दुनिया का बेटा मरता है तो घर बर्बाद हो जाता है, किसी की बेटी का सुहाग लूटता है तो उसका घर बर्बाद हो जाता है, किसी का जवान भांजा मौत की आगोश में चला जाए तो पूरा घर मातम करता हो जाता है। ये दुनिया का दस्तूर है, बेटा लूटे घर बर्बाद, भांजा लूटे घर बर्बाद, दामाद लूटे घर बर्बाद। अब जमाली को कहने की इजाजत दे दो, खानदान का कोई फर्द लूटे घर बर्बाद, मगर हुआ हुसैन तेरे कलेजे का जवाब नहीं, तेरी हिम्मत का जवाब नहीं, तेरे दस्तूर का जवाब नहीं। उसी कर्बला के मैदान में तू अपने जवान बेटे को उठा कर लाता है, मगर तू मुस्कुराता है, जैसे जैसे बच्चे को उठा कर लाता है, मगर तू मुस्कुराता है, और नो मोहम्मद जैसे भांजे को उठा कर लाता है, मगर तू मुस्कुराता है, अब्बास जैसे वफादार भाई को उठा कर लाता है, मगर तू मुस्कुराता है। तो जवाब दिया कर्बला वाले आका हुसैन ने, ऐ दानिश जमाली, जब दुनिया का बेटा मरता है तो घर बर्बाद होता है, और जब मेरा बेटा कर्बला में करता है तो दीन आबाद होता है। कर्बला की किताबें जिंदगी के दो चेहरे, पहले चेहरे का नाम इमाम हुसैन, और कर्बला की किताबें जिंदगी के दूसरे चेहरे का नाम सैयदा ज़ैनब। सैयदा ज़ैनब, आपने उलमाए कराम से मुलाहिज़ा की कि इमाम हुसैन कैसे शहीद हुए, अली अकबर कैसे शहीद हुए, मगर आज ये सैयदा ज़ैनब की हिम्मत देखिए। ए सैयदा ज़ैनब तेरी हिम्मत को सलाम। सैयदा ज़ैनब है, चले कर्बला पहुंचे आका हुसैन, जवान अली अकबर दुश्मनों के तलवार से शहीद हो गया, बूढ़ा बाप बाप अपने जवान बेटे को उठा कर लाते हैं, खेमे से सिसकियों की आवाज उभरती है, सैयदा ज़ैनब रोना चाहती है मगर आका हुसैन कहते हैं, ए मेरी बहन ज़ैनब अपनी आबू पे काबू रखो, भतीजा अली अकबर लूट गया मगर तेरा भाई हुसैन है, अली असगर की मजलूमियत खातिर खून में तड़प गई, बाबा हुसैन अपनी विलायत की गोद में उठा कर लाते हैं, उम्मे रुबाब तड़प गई, आका हुसैन कहते हैं, ऐ उम्मे रुबाब तुम जिस खानदान की बहू हो अपनी शख्सियत के वकार की हिफाजत करती हुई पर्दे में रहो, बाबू अली असगर लूट गया मगर तेरा शोहर हुसैन तो है, सब लूट गए मगर हुसैन इस्तेदामत की तस्वीर बने हैं, अली अकबर की जवानी लूट गई हुसैन इस्तेदामत की तस्वीर बने हैं, अब्बास जैसा भाई कट गया हुसैन इस्तेदामत की तस्वीर बने हैं। अब अहले इल्म कहते हैं कि आका हुसैन की शहादत उस वक्त भी हुई है जब अली असगर शहीद हो गए, आका हुसैन की शहादत उस वक्त भी हुई है जब अली अकबर की जवानी लूट गई, मगर
सैयद ज़ैनब है जो सब्र की दास्तान है। सैयदा ज़ैनब की शहादत उस वक्त भी हुई है जब भाई हुसैन शहीद हो गए। सैयद की शहादत उस वक्त भी हुई है जब खैमे जला दिए गए। सैयद की शहादत उस वक्त भी हुई है जब भतीजी सकीना प्यास से तड़प कर अपनी बीवी के कलेजे से निपट जाती है। मगर जब एक एक हुसैन शहीद होते हैं तो इस्लाम हरा होता है, और जब सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ती है तो इस्लाम फैल जाया करता है। सैयदा ज़ैनब की जिंदगी मौला ईसा फरमाए के आका हुसैन शहीद हो गए, जालिमों ने खेमे में आग लगा दिया। सैयदा ज़ैनब क्या देखती है कि जालिमों ने उसी खेमे में आग लगाया जहाँ पर आबिदे बीमार आराम कर रहे थे। सैयदा ज़ैनब तड़प जाती है, तड़प कर खेमे के करीब जाती है। जैसे ही खेमे के अंदर दाखिल होना चाहती है एक यजीदी ने कहा कि ऐ ज़ैनब अंदर तुम जा रही हो जल जाओगी। सैयदा ज़ैनब कहती है ए जालिम तुझे मेरे जलने की फिक्र है, अंदर मेरा जवान भतीजा आबिद मौजूद है जिसे मेरे भाई हुसैन ने मेरे हवाले किया। ए मेरी बहन ज़ैनब मेरे बेटे आबिद को संभाल कर मदीने ले जाना, जब ये मदीना चला जाएगा तो तेरे भाई हुसैन का खानदान आगे जाएगा। मैं उसी आबिद को खेमे के अंदर जो मौजूद है मैं उसे निकालने जा रही हूँ। यजीदियों ने देखा सैयदा ज़ैनब खेमे के अंदर गई है, लिया है अपने जवान भतीजे को अपने कंधों पर लाद कर खेमे के बाहर लाती है। आसमान भी तड़प गया होगा मगर यजीदी नहीं तड़पे। जैसे सैयदा ज़ैनब अपने जवान बेटे को भतीजे को खेमे के बाहर उठा कर लाती है, ये यजीदी तलवार आगे हुसैन के सारे लोगों को तो कत्ल कर दिया, बेटे को कत्ल कर दिया, भांजे को कत्ल कर दिया, भतीजे को कत्ल कर दिया, ये जवान बाकी क्यों रह गए हैं? इस जवान को भी कत्ल कर दिया जाए, इस जवान को भी काट दिया जाए। एक यजीदी तलवार आगे बढ़ी है, सैयदा ज़ैनब कहती है ऐ ज़ालिम अब अपने खेमे अब अपनी तलवार को नियाम में डाल ले, इसलिए कि अब हुसैन नहीं है जो इस इमामत की तस्वीर मैं देखती रही, क्योंकि मेरा काइद अली का बेटा था। मैं देखती रही क्योंकि मेरा काइद फातिमा का शहजादा था। मैं देखती रही क्योंकि मेरा काइद नबी का नवासा था। हम अपने काइद से बगावत नहीं करते। भूख लगी मगर मैं देखती रही, प्यास सहती रही मगर मैं देखती रही, अली अकबर की जवानी रुकती रही मैं देखती रही, इसलिए कि मेरे भाई हुसैन को शहादत का दूल्हा बना जो इस्तेकामत के मसल्ले पर लेटकर सब्र की नमाज पढ़ता हुआ जन्नती दूल्हा हो गया, शहादत उज़्मा का ताज पहन चुका। इसलिए कि शहीद सब है मगर शहीद आजाद कोई नहीं बल्कि मेरे आका हुसैन है। और जन्नती दूल्हा हो गया, अब अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो याद रख अगर अली की बेटी ज़ैनब मुसल्ला बिछा दिया और दुआ के लिए हाथ उठ गए तो यह नहरे फरात का पानी चलेगा तो फिर इलाका नहीं देखेगा। यही नहरे फरात का पानी चलेगा तो सीमा नहीं देखेगा, सरहद नहीं देखेगा, बल्कि मौजे मारता हुआ उठेगा हुसैन का खेमा तो मुस्कुराता रहेगा। यजीदी हुकूमत तबाह हो जाएगी, यजीदी हुकूमत बर्बाद हो जाएगी। ऐ सैयदा ज़ैनब तेरी हिम्मत को सलाम, ऐ सैयदा ज़ैनब तेरी जुर्रत को सलाम, ऐ सैयदा ज़ैनब तेरी परदादारी को सलाम। ऐ इस्लाम की बेटियों हो सके तो अपनी जिंदगी के किरदार की किताब में पर्दों को जगह देते, इसलिए कि इस्लाम की बेटियां बाजारों के लिए नहीं, इस्लाम की बेटियों पर्दे को अपना मुकद्दर बनाओ, इसलिए कि पर्दे की तारीफ सैयदा ज़ैनब से मिलती है, पर्दे की तारीफ सैयदा फातिमा तुज़ज़हरा से मिलती है,
पर्दे की रवायत हजरत आयशा सिद्दीका से मिलती है। ऐ इस्लाम के बेटो, आपको मालूम है सय्यदा फातिमा किस घर की बेटी है? सय्यदा फातिमा उस घर की बेटी है कि जिस घर की बेटियों के चेहरे को कभी आसमान के सूरज ने भी नहीं देखा था, मगर आज यजीदियत के मनहूस हाथों ने करबला के खेमों को जला डाला। बेपर्दा हो गई सय्यदा ज़ैनब, मगर वह सय्यदा ज़ैनब की पर्देदारी जब यजीदियों ने चादरें नोच कर फेंक दी, तो सय्यदा ज़ैनब ने अपने बाले मुबारक के पीछे लटके हुए हिस्से को अपने चेहरे के आगे फैला दिया। ऐसी पर्देदारी ज़ैनब ने किया है, तब इस्लाम आता है। और ये दुरूद पाक इस्लाम के बेटो, आपको मालूम है कि जब आका हुसैन शहीद हुए तो आसमान सुर्ख हो गया। 6 महीने तक उसी हालत पर वो बाकी रहा, फिर धीरे धीरे सुर्खी कम होती रही, लाली कम होती रही। हजरत आका हुसैन शहीद हो गए। सब आपने ये सुना होगा कि कोई वक्त से पहले बूढ़ा होता है, से पहले बूढ़ा हो गया। हालात अच्छे नहीं थे, गम था, परेशानी थी, गुर्बत थी, इसलिए वो आदमी वक्त से पहले बूढ़ा हो गया। मगर जितना दम मेरे आका हुसैन ने उठाया है, उतना दम किसी और नहीं उठाया। आका हुसैन मदीने से चले, सर के बाल दाढ़ी के बाल काले थे। आका हुसैन 10 महीने तक रहे, सर के बाल दाढ़ी के बाल काले थे। आका हुसैन कभी अली अकबर को उठा कर लाते हैं, कभी अली असगर को उठा कर लाते हैं, कभी हुर जैसे वफादार को उठा कर लाते हैं, कभी अपने भाई अब्बास को उठा कर लाते हैं। खेमे के अंदर जब जब अपनी बीवियों के चेहरे पर जवान बेटे के लुटने का रंग देखते हैं, तब तब लगता है। जब सकीना प्यास से तड़पती है, तब तब लगता है। जब जब और मोहम्मद कुर्बान होते हैं, तब तब लगता है। हजरात सब गए थे, सबको आका हुसैन ने सजाया था, सबको शहादत का दूल्हा आका हुसैन ने बनाया था। आज आका हुसैन जा रहे हैं, हुसैन को कौन सवारे, हुसैन को शहादत का दूल्हा कौन बनाए। आ गई अली की बेटी सय्यदा ज़ैनब। सय्यदा ज़ैनब अपने भाई से कहती है, मेरे भाई, सबको आपने तैयार किया था, सबको शहादत का दूल्हा आपने बनाया था। आज आपकी बहन ज़ैनब मौजूद है, आज आपकी बहन ज़ैनब आपको तैयार करेगी। सय्यदा ज़ैनब अपने भाई हुसैन को तैयार करती हुई भागने लगी, रोने लगी। आका हुसैन कहते हैं, ए मेरी बहन ज़ैनब, क्यों फिर रही हो, क्यों रो रही हो? तो सय्यदा ज़ैनब कहती है, भाई हुसैन, ऐसा गम कभी नहीं देखा। 2 घंटे पहले आपके सर के बाल दाढ़ी के बाल काले थे, मगर 2 घंटे के बाद आपके सर के बाल दाढ़ी के बाल सफेद हो गए। मेरे भाई हुसैन, ऐसा गम देखा आपने, ऐसी परेशानी देखी आपने, मगर इस गम के माहौल में भी सय्यदा ज़ैनब अपने भाई हुसैन का कलेजा लेकर संभाल रही है, खेमे पहरा दे रही है और अपने बच्चों को सुलाना चाहती है। खेमा जला दिया गया। हजरा उधर यजीदी खेमे में शोर है, हंगामा है, खाना खाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, मगर वही पर इस्लाम की वो पर्दा नशीर हवा थी जो 5-6 घंटे पहले अपने पूरे खानदान वालों के साथ खुशगुजार रही थी, आज सब लुट गया, आज सब लुट गया। हजरा कहना यह है कि हुसैन के घर वालों की तारीख में गम ही गम है। अगर आप चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि हम कामरान हो जाए, तो आका हुसैन की जिंदगी अपनी जिंदगी में उतार लें और आका हुसैन सजदे की हालत में अपनी गर्दन को कटा दिया। असर का वक्त था। अगर आप चाहते हैं कि हम कल कयामत के दिन आका हुसैन के सामने रुसवा ना हो, तो आप नमाज़े पढ़ जाना,
के आदि हो जाए और आप कुरान की तिलावत करते रहे। हजरत यही जिंदगी है। हजरत अल्लाह से दुआ है हम लोगों को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرات محترم تقریبا رات کا دو تہائی حصہ اور اللہ وحدہ لا شریک کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے محبوب کا ذکر خیر کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو جمع کیا۔ اللہ کی مقدس بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کے جملہ منتظمین کو اور جن لوگوں نے بھی اس مجلس اس محفل کے انعقاد میں جس طرح بھی دام دل میں قدم سخن حصہ لیا اللہ تعالیٰ سب کے تعاون کو قبول فرمائے اور فیضان امام علی مقام سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے اور ان کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام حاضرین و سامعین کے جملہ پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اگر ہمارے گھروں میں کوئی بیمار ہے اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے انہیں صحت عاجلہ شفا کاملہ عطا فرما دے۔ حضرات محترم قبل اس کے میں آیت متذکرہ کے تحت کچھ گفتگو شنید کروں آئیے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار سرکار کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں باآواز بلند اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و بارک وسلم۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خطا زنی، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خطا زنی، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا جائے۔ اترجو امتن قتلت حسینا، اترجو امتن قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحساب۔ اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید الہی اور ایک سجدہ شبیر۔ حضرات محترم میں آپ کے سامنے کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا اور وقت بھی اس کی اجازت نہیں دے رہی ہے۔ کہنے کو تو بہت کچھ تھا، تاریخ کے حوالے سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن وقت بہت کم ہے۔ میں کم وقت میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، بس جتنا کہوں اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سبوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس خاکدان گیتی پر 124,000 انبیاء اور رسول کا نورانی سلسلہ جاری فرمایا تاکہ کفر کے گھٹا توپ اور شرک کی کڑک بجلیاں ختم ہو جائے اور ایک ایسے سکون ریز چمن کو جنم دیا جائے جس میں
नबूवत और रिसालत की शाखों से तौहीद के तराने फूटे, तौहीद के चश्मे फूटे, जहां एक ऐसा दुनिया, एक ऐसी दुनिया आबाद हो जो हर दुनिया से बेनियाज कर दे और फर्जंदाने तौहीद की सिफत में लाकर खड़ा कर दे। इन्हीं मकासिद के लिए अल्लाह वहदहू ला शरीक ने अंबिया और रसूल की मुकद्दस जमानत को मबूज फरमाया और उन्होंने मसीहाना इस्लाम को पेश किया और लोगों को तौहीद का जाम नोश फरमाया, लोगों को तौहीद के जाम से सैराब फरमाया। इन्हीं लोगों के बारे में अल्लाह वहदहू ला शरीक फरमाता है, قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون। बोले हम परस्तिश करते हैं उसकी जो आपका खुदा है और आपके आपा इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक का एक खुदा और हम उसी के हुजूर गर्दन झुकाते हैं। लेकिन हर एक कसोनाकस जानता है कि जिस तरह अंधेरे के बिन मुकाबिल रोशनी है, रोशनी के बिन मुकाबिल अंधेरा है, इसी तरह वस्त्र के बिन मुकाबिल फसल है, कुफ्र ईमान के बिन मुकाबिल कुफ्र इल्हाद है, नेकी के बिन मुकाबिल बदी है और हक के बिन मुकाबिल बातिल। एक तरफ जहां अल्लाह वहदहू ला शरीक ने अनअम अल्लाह अलैहिम मिन नबियीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन की नूरानी व इरफानी जमात को मबूस फरमाया ताकि ये नफूस कुदसिया गुमगश्तगाने राह को बादे तौहीद से सैराब फरमा कर खुदा वहदहू ला शरीक की तरफ बुलाए, तो दूसरी तरफ बागियान इस्लाम और बद बातिन जमात भी थी जो ना सिर्फ अंबिया और रसूल और सालिहीन की मुखालफत करती बल्कि शाहो हशमत अपनी जाहो हशमत इज्जत और अज़मत को बरकरार रखने के लिए और हक्कानियत और सदाकत के नूर को पोशीदा और उसे खत्म करने के लिए इन्होंने नापाक कोशिशें की, अंबिया और रसूल को नाहक कत्ल किया। मैं इख्तिसार के साथ आपको तारीख बताता चलता हूँ। अंबिया और रसूल को नाहक कत्ल किया और उनकी तालीमात को खत्म करने के लिए नाकाम कोशिशें की जिनसे कुफ्र बुत परस्ती और उनकी ऐश परस्ती का को नुकसान पहुंच रहा था। इन्हीं बागियान इस्लाम के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनका तारुफ ईसा दास ने कुरान करीम में फरमाया, कुल फलिमा तक्तुन अंबिया अल्लाह मिन कब्ल इन कुंतुम मुमिनीन वलकद जाअकुम मूसा बिल बय्यिनात ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون। ऐ महबूब अब इन बागियान इस्लाम को फरमा दीजिए कि तुमने पहले अंबियाए-साबिकीन को तुमने कत्ल क्यों किया? अगर तुम अपनी किताब पर ईमान रखते हो और मूसा तुम्हारे पास रोशन दलीलें लेकर आए उसके बाद भी तुमने बछड़े को माबूद बना लिया, हक का इनकार करके बछड़े को माबूद बना लिया और अपनी जान पर जुल्म किया। तारीख गवाह है, आदम तईदम सियादत सदाकत सखावत से ये जमात बरसरे पैकार रही और इनकी चिरादस्ती इनकी जुल्म व ज्यादती ये रही कि इन्होंने अहद रिसालत में यही वो जमात है बागियान इस्लाम जिन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जमाने में उनकी मुखालफत में पेश पेश रही और सरकार की रूए जमीन से रहलत फरमाने के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने के बाद यही वो बागियान इस्लाम की बागी जमात है जिन्होंने
अस्हाबे रसूल के दरमियान फूट पैदा की, अस्हाबे रसूल के दरमियान दुश्मनी की बीज बोई। यही वो बागबान इस्लाम है जिन्होंने अफजल बशर बाद अंबिया व सिद्दीक हजरत फारूक आजम को शहीद किया। यही वो जमात है जिन्होंने काबतुल्लाह के हज के बहाने, तारीख बता रहा हूं, काबतुल्लाह के हज के बहाने मदीने रसूल को खूने इस्लाम खूने उस्मानी से सींचा, खूने उस्मानी से दुल्हन बना दिया। यही वो जमात है, यही वो जमात है जिन्होंने हैदर एतराज को अपनी हमियत अपनी हमदर्दी का दावा पेश करके अपनी वफादारी का सबूत पेश करके उन्हें मदीना रसूल छोड़ने पर मजबूर किया और कूफा बुलवाकर शहीद किया। यही वो बागियाने जमात है जिन्होंने हसन मुज्तबा को जहर देकर अबदी नींद सुना। यही वो बागियाने इस्लाम है जिन्होंने हजरत हुसैन इमाम अली मकाम को और उनके आले बैत को कर्बला की सरजमीन पर बेआबोदाना शहीद कर दिया। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं, आज की ये महफिल जिक्र शहादत इमाम अली मकाम की तरफ मंसूब है, इमाम अली मकाम रदी अल्लाहु ताला के जमाने में इनके कुछ मुहिबीन भी थे और कुछ मुखालिफीन भी थे। अरबी में लफ्ज शिया के माने आता है जमात गिरोह, शिया ने अली ने हजरत अली के फॉलोवर हजरत अली को चाहने वाले, लेकिन आज के मौजूदा जमाने में कोई शिया हो हकीकी शिया नहीं है। वो मुहिबाने अली का दम भरने वाले से जमानी है अपने फेल और कौल से हजरत अली के मुखालिफ है, इमाम हुसैन के मुखालिफ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि शिया मजहब के रईसुल मुहद्दिसीन बहुत बड़े मुहद्दिस अल्लामा इब्ने बावै उम्मी मुस्तनद सनद के साथ क्या पेश करते हैं। आज मुहर्रम हराम का महीना है, आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा कि 10वीं तारीख को लोग मातम करेंगे, लौहा करेंगे, सीना को भी अपने जिस्म को लहू लुहान करेंगे और हुब्बे और हुब्बे इमाम अली मकाम का दावा करेंगे। जरा पूछते हैं इमाम हजरत अली से क्या आप क्या फरमाते हैं मातम करने के बारे में। खुद शिया मजहब के मशहूर मुहद्दिस उन्होंने अपनी किताब में मुस्तनद और मोतबर सनद के साथ हजरत अली का कौल नकल और क्या फरमाया, फरमाते हैं जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया तो हजरत अली ने इरशाद फरमाया या रसूल अल्लाह अगर आप हमें नवहा करने से मना ना करते और सब्र की तलकीन ना फरमाते, फरमाते हैं कि लौला अमरतना बिसब्रि व नहैतना अनि नियाहति लअनफदना अलैका शै मा अलशुरूर, कि अगर आप या रसूल अल्लाह हजरत अली का कौल नकल करते हैं कि या रसूल अल्लाह अगर आप नवहा और मातम करने से मना ना करते सब्र की तलकीन ना फरमाते तो हम आपकी फिराक में हम आपकी मोहब्बत में अपनी आंखों के आंसुओं को खुश कर। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं जब ये मामला तय हो चुका कि कल अब जंग की इब्तिदा होने वाली है, इमाम अली मकाम ने हजरत ज़ैनब के खेमे में जाकर हजरत ज़ैनब से आखिरी वसीयत फरमाई, हजरत ज़ैनब से आखिरी वसीयत फरमाई। ये कूफा वाले बेवफा थे, इन्होंने हजरत अली को भी ऐसा ही किया, मदीना बुलाकर उनको शहीद किया।
यही कूफा वालों ने इमाम अली मकाम को बुलाया। रिवायतों में है कि तकरीबन 150 खुतूत आए इमाम अली मकाम के पास। एक बच्चा के जहन में सवाल पैदा हो सकता है, मुझे भी इससे पहले जहन में आया कि उस वक्त तो कितने सहाबा मौजूद थे, क्या सहाबा इकराम ने उन्हें नहीं रोका? मदीना छोड़कर आ रहे हैं, मक्का में क़याम किया हजरत ने, शाबान 5 शाबान को इमाम अली मकाम ने मदीना से रवानगी फरमाई, मदीने मनोवर से 60 हिजरी 5 शाबान को मदीने मनोवर को छोड़ा। उसके बाद आप मक्का तशरीफ लाए, मक्के में तकरीबन 1-1.5 महीना क़याम रहा और हज से कुछ कबल। इधर हाजी हज खाने काबतुल्लाह में तशरीफ ला रहे हैं और इधर इमाम अली मकाम खाने काबा से पूछ कर फरमा रहे हैं। मेरे जहन में एक बात आई, क्या इतने सहाबा इकराम मौजूद थे, क्या किसी ने नहीं रोका इमाम हुसैन? आज लोग कहते हैं इमाम हुसैन जंग करने गए थे, जंग करने नहीं गए, इमाम अली मकाम को बुलाया गया था। और मैं यहाँ रुककर एक बात बताना चाहता हूँ, 60 हिजरी में तारीख नोट कीजिए, 60 हिजरी में जब ये बदबख्त यजीद वो है जिसने 700 सहाबा को शहीद किया, 700 सहाबा और 10,000 ताबीन को शहीद किया इसने, इसी यही वो पलीद शख्स है जिसने 3 दिन तक हरम मदीने रसूल और मक्कतुल मुकर्रमा को उसकी पामाली की, बल्कि मेंबर रसूल पर लाजत भी डाला और हरम मक्का और मदीने रसूल की अजमत और उसकी रिफात को ताराज किया। एक नंबर का जानी और शराबी इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब जहर दिया गया, बात यहां से बताता चलता हूं, इमाम हसन ने हजरत इमाम हुसैन को एक आखिरी वसीयत की, उसके बाद आएंगे इमाम हुसैन ने हजरत जैनब को वसीयत की, उसको सुनकर चले। इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब आपको जहर दिया गया, पहली बार दिया गया तो उसका काट कर दिया गया, जब दूसरी बार जब जहर का बहुत सख्त था उसका असर इतना होने लगा कि आप तड़पते रहे और आखिर उसी के असर से आप शहीद हो गए। शहादत से कबल इमाम हसन ने इमाम हुसैन को बुलाया और क्या कहा था तारीख से, ये जुमले आबे जर से लिखने के काबिल, सोने के पानी से लिखने के काबिल, इमाम हसन ने इमाम हुसैन से कहा, हुसैन इन बेवकूफ कूफियों के बाद में मत आना, इन बेवकूफ कूफियों के बाद में हरगिज मत आना, ये तुम्हें बातों बात में उलझा कर, बातों बात में तुम्हें अपना गर्वीदा बनाकर तुम्हें बुला लेंगे, लेकिन ऐन मुसीबत के वक्त तुम्हारा तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। जिस तरह मूसा हजरत मूसा को उनके अंसार ने छोड़ दिया था, जिस तरह हजरत ईसा को उनके हवारियों ने छोड़ दिया था, इन बेवकूफ के चक्कर में मत आना, उस वक्त फिर तुम्हारे पास कोई रास्ता ना होता। इस वसीयत के बावजूद होने का वही होता है जो मशीयत इलाही। मैंने खुतबा के बाद एक शेर पेश किया था, ये शेर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसब पैदाइश से 200 साल पहले मक्का तुल मुकर्रमा के पत्थर पे लिखा था। अतरजु उम्मत मक़बला फसैना शफाअत जद्दी यौमल हिसाबी, ऐसी कौम जिसने इमाम अली मकाम को शहीद किया, जो इमाम अली मकाम के खून के प्यासी हो वो उनके नाना जान की शफाअत की उम्मीद रखती है, क्योंकि नाना जान भरोसे कयामत इसकी शफाअत कर देंगे, भला ऐसा हो सकता है? जब इमाम हुसैन, अब देखिए इमाम हुसैन ने इमाम जैनब को क्या पता, हैत जैनब को क्या पता, हैत जैनब से चुला कहा था, जो लोग कहते हैं हम शियाने अली हैं, उनके मुंह पर तमाचा है कि खुद को शियाने अली कह रहे हो और फिर तुम्हारा किरदार और अमल इमाम अली मकाम के कौल के खिलाफ, उसके तजाद है। हैते इमाम अली मकाम ने हैते जैनब से फरमाया था,
मैं तुझे कसम देता हूँ और मेरी कसम को हरगिज मत तोड़ना। कसम आशूरा की शब है, इमाम अली मकाम हजरत ज़ैनब के पास उनके खेमे में और एक वसीयत की, आखिरी वसीयत कहा, अक्समतु अलैकी फअबरी कसमी, कि मैं तुझे कसम देता हूँ मेरी कसम को मत तोड़ना। क्या फरमाते हैं? फरमाते ला तशुक्की अलैया जैबन वला तखमिशी अलैया वजहन वला तदई अलैया बिलवैल वस्कुबूर इदा अना अहलक। फरमाते हैं कि जब मैं शहीद कर दिया जाऊं, जब मैं जाने शहादत नोश कर जाऊं, तो तुम अपने गरीबान को मत उछाल कर, अपने चेहरे को मत जख्मी करना, अपने बाल को परागंदा मत करना और वाबेला और गिरिया बेजारी मत करना। कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं, खुद शिया शिया मजहब के अजीम और मशहूर मुहद्दिस शेख सदूक ने यह रिवायत की है मुस्तनद सनद के साथ, लेकिन उनका कौन, उनका अमल इमाम अली मकाम रजी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ। आप जरा इसी से अंदाजा लगाएं। और सबसे पहले मातम किसने किया? खुद शिया मजहब के मशहूर आलिम शफीक बिन सालेह ने अपनी किताब मजमुउल अवारिफ में जिक्र किया है। ये ईरान